वहाँ शाम में अचानक से जो है उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी, तो हम लोग सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे। मल्टीपल जो डिजीज़ है उसके कारण उनको जो है काफ़ी सांस लेने में दिक्कत हुई थी। साथ अपने भाई के साथ उनसे मिलने हम लोग जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव निकल चुके हैं 10 अक्टूबर रोड आवास से, जहां आज वह विशेष विमान से बताया जा रहा है कि रांची पहुंचेंगे। उसके बाद वह अनुमति लेकर मुलाकात करेंगे लालू प्रसाद यादव से। आपको बता दें हम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री सह लालू प्रसाद यादव की जो पत्नी है राबड़ी देवी, वो भी साथ में है। तस्वीरें आप देख भी सकते होंगे। हमने जब तेजस्वी यादव से बातचीत करने की कोशिश की, मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी हुई तबीयत को लेकर, तो ज़रा सुनिए। जाहिर से तौर पे हम लोग सब लोग चिंतित हुए। वहाँ शाम में अचानक से जो है उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी, और पहले भी आप जान रहे हैं कि मल्टीपल डिजीज से वो ग्रसित है। हार्ट का भी चाहे बल्ब चेंज कराना हो वो भी हुआ था, हार्ट पेशेंट भी हैं, ब्लड शुगर का पेशेंट है, किडनी जो है लगभग 25% जो है वो काम कर रही है, लंग्स में थोड़ा पानी है। हालांकि आज जो है हाई डेफिनेशन सिटी स्कैन के लिए वो गए थे, तो हम लोग सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे। कोरोना वगैरह को लेकर भी हम लोगों का था कि टेस्ट हुआ है, बकायदा जहां तक जानकारी हमें मिली है वो नेगेटिव मिली है, लेकिन और भी टेस्ट कराए गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जैसा डॉक्टर का देखने के बाद जो बता पाए, लेकिन हाँ एक उम्र होने के बाद और मल्टीपल जो डिजीज़ है उसके कारण उनको जो है काफ़ी सांस लेने में दिक्कत हुई थी। साथ अपने भाई के साथ उनसे मिलने हम लोग जा रहे हैं रांची, और कामना करते हैं कि जल्द से जल्द जो है उनके सेहत में सुधार। तो आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे होंगे, एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की जांच की जा रही है रांची के रिम्स अस्पताल में, वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पटना से निकल चुके हैं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए। सुबह में ही मीसा भारती ने मुलाकात की है, जो कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटियां हैं। भोला यादव भी रिम्स अस्पताल में मौजूद हैं। तो आप तस्वीरें वहां की देख रहे होंगे, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।